नमस्कार, विभिन्न समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। सिंगापुर में 13 भारतीय जीका से संक्रमित। सिंगापुर में मच्छर से फैलने वाले जीका वायरस से 13 भारतीय नागरिक भी संक्रमित हैं। भारतीय उच्चायोग के कर्मचारी ने बताया कि सिंगापुर में 13 भारतीय नागरिकों में जीका वायरस के लक्षण पाए गए हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने देश के ऐसे लोगों की सूची मांगी है जिसमें उनके जीका के इलाज की जानकारी हो। सिंगापुर में शनिवार को जीका का पहला मामला सामने आया था और अब तक 115 लोगों के इसके चपेट में आने की जानकारी मिली है। इनमें ज्यादातर मामले निर्माण क्षेत्र के मजदूरों से जुड़े हैं। जीका वायरस एडीस मच्छर के काटने से फैलता है। जियो की व्यावसायिक लॉन्चिंग 5 सितंबर से उपलब्ध होंगे कनेक्शन। उद्योगपति मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपनी बहुप्रतीक्षित टेलीकॉम सेवा रिलायंस जियो की व्यावसायिक लॉन्चिंग की गुरुवार को घोषणा कर दी। जियो के कनेक्शन 5 सितंबर से उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध होंगे। अंबानी ने कंपनी की वार्षिक बैठक में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि इस साल दिसंबर तक वेलकम ऑफर के तहत उपभोक्ताओं को वॉइस कॉल्स और डाटा मुफ्त दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जियो के उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धी कंपनियों की तुलना में काफी किफायती दर पर 50 रुपए में 1 GB 4G डाटा दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप हुए मजबूत, हिलेरी की मुश्किलें बढ़ी। अमेरिका के राष्ट्रपति पद की डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन की अपने रिपब्लिकन प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप पर बढ़त महज 2% रह गई है। अपना हालिया राष्ट्रीय सर्वे जारी करते हुए फॉक्स न्यूज ने कहा है कि हिलेरी को 41% अंक मिले हैं जबकि ट्रंप को 39%। आमने सामने की टक्कर में ट्रंप का आधार मजबूत होता जा रहा है, हालांकि प्रमुख मुद्दों पर हिलेरी की ओर से सुधार हुआ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने गोवा प्रमुख सुभाष बेलिंगर को किया बर्खास्त। आरएसएस ने पढ़ाई के माध्यम की भाषा को लेकर गोवा की भाजपा सरकार से टकराने वाले अपने प्रदेश प्रमुख सुभाष बेलिंगर को राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने की कोशिश को लेकर बर्खास्त कर दिया। सुभाष द्वारा संचालित एक संगठन के सदस्यों ने हाल ही में पार्टी प्रमुख अमित शाह को काला झंडा भी दिखाया था। गौरतलब है कि भारतीय भाषा सुरक्षा मंच के संयोजक बेलिंगर का भगवा पार्टी और राज्य के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर से टकराव चल रहा था। भारत रूस से कैलिबर क्रूज मिसाइल खरीदेगा। भारत रूस से कैलिबर क्रूज मिसाइल खरीदने का विचार कर रहा है। कैलिबर क्रूज मिसाइल से 300 किलोमीटर की दूरी तक मार की जा सकती है और इस सीमा तक मार करने वाली मिसाइलों के निर्यात पर रोक नहीं है। कैलिबर क्रूज मिसाइल उसी प्रकार की मिसाइल है जिस प्रकार की मिसाइलों का उपयोग सीरिया में किया जा रहा है। कश्मीर में हालात फिर तनावपूर्ण। झड़पों के दौरान एक किशोर की बुधवार को मौत होने के बाद कश्मीर में हालात अब फिर तनावपूर्ण बन गए हैं। सरकारी प्रसारण सेवाओं को ठप करने के अलगाववादियों के आह्वान के मद्देनजर प्रशासन ने गुरुवार को लाल चौक सिटी सेंटर की ओर जाने वाले मार्गों को सील कर दिया है। वैसे तो पूरी कश्मीर घाटी से कर्फ्यू हटा लिया गया है, लेकिन सुरक्षा बलों ने पुराने शहर के कई इलाकों में लोगों की आवाजाही पर पाबंदी लगा रखी है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पूरे कश्मीर में गुरुवार को कहीं भी कर्फ्यू नहीं लगा है। इस बीच अलगाववादी समर्थित हड़ताल के कारण लगातार 55वें दिन जनजीवन प्रभावित हुआ। अलगाववादियों ने हड़ताल की अवधि 8 सितंबर तक बढ़ा दी है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।